चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके वर्सेस यहां पर पंजाब की टीम के बीच हुआ काफी ज्यादा तूफानी विस्फोटक मुकाबला, जहां पर पंजाब के गेंदबाज और कप्तान की चेन्नई सुपर किंग्स के तूफान विस्फोटक कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा का ऐसा तूफान आया, शिवम दुबे ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खोल डाली। लेकिन जब घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज आउट होते हुए चले गए तो महेंद्र सिंह का बल्ला ऐसा गर्जा कि यहां पर पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पंजाब के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज महेंद्र सिंह धोनी के आगे पानी भरते नजर आए। आप सभी को सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाएंगे कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि यहां पर जो है पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी और यहां पर पंजाब टीम के बीच जब टॉस छला गया तो टॉस की बाजी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा पहला ओवर डालने के लिए चले गए। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पंजाब की टीम उतर गई, जहां पर पंजाब की टीम के खिलाड़ियों ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की और शुरुआती दौर में काफी बेहतरीन तरीके से एक तगड़ा रन स्कोर जो है चेन्नई सुपर किंग्स सामने खड़ा कर दिया। आप सभी को बता दें कि पंजाब की टीम ने 211 रन ठोक दिए। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग को जीतने के लिए 212 रनों की जरूरत थी। मैदान पर आ चुके थे ऋतुराज गायकवाड़ जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, रविंद्र जडेजा जैसे खोखार विस्फोटक ऑलराउंडर। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ जैसे ही आए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 गेंदों पर शानदार 2 चौके और शानदार 3 छक्के ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 22 रन बनाने के बाद आउट हो गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर दुबे आए। रविंद्र जडेजा और दुबे तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा जब आउट हुए, शिवम दुबे का साथ देने के लिए मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले धोनी ने मैदान पर कदम रखते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर आप सभी को बता दें कि पंजाब की टीम के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब के घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें कि पंजाब के घातक विस्फोटक बल्लेबाज, गेंदबाज और कप्तान यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के आगे पानी भरते नजर आए। शिवम दुबे और यहां पर आप सभी को बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। इनकी बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर किसी को अचंभित तरह लग रहा था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने यहां पर आप सभी को बता दें 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार 5 छक्के जड़ दिए और एक चौका भी लगा दिया, जहां पर शिवम दुबे ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। आईपीएल 2024 में इस तरीके से आप सभी को बता दें कि 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए, जहां पर 19वें ओवर में घातक विस्फोटक बल्लेबाज दुबे ने भी जो है 34 रन बना दिए। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब सीएसके की यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को जीतने के लिए 1 ओवर में 35 रनों की जरूरत थी, जहां पर 1 ओवर में 35 रन बनाना सभी को नामुमकिन सा लग रहा था। पंजाब की टीम काफी ज्यादा शुरुआत में उछलने लगी थी, क्योंकि पंजाब की टीम को ऐसा लगा कि इस मुकाबले को हम बड़ी आसानी से जीत लेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला ऐसा चला कि 1 ओवर में जो है 35 के 36 रन ठोक दिए और सीएसके ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। धन्यवाद।